इसी बुनियाद पर ये जो चिल्ला और चट्टी ये आम जबान है भैया, आम ही जबान है, ये कोई वो हदीस और कुरान की जबान नहीं है। चिल्ला और चट्टी का मतलब छेदी होता है, पत्रा मंगाते हैं उसके नाम से अकीका कर देते हैं, यही है चिल्ला चट्टी अकीका कर देते हैं और ये अकीका करना सुन्नत है। तो अगर कोई शख्स चिल्ले का नाम दे दिया, छट्टी का नाम दे दिया, तो अब इस नाम देने से वो सब चीज हराम नहीं हो जाती, वो चीज हराम नहीं हो जाती। तो लिहाजा मैं बच्चे के पैदा होने के बाद आपको चाहिए कि सबसे पहले देखिए सर बता रहा, सबसे पहले क्या है, आप बच्चे के नापाक बाल को मुटाए। आज हमारी औरतों का ये नजरिया है, नहीं हमने मन्नत मांगी थी फला दरगाह पे जाकर के बाल निकालेंगे या ये करेंगे, ये सब गलत बात है, इस्लाम में इसका कोई हक नहीं है, क्योंकि वो बाल नापाक है। जितने दिन तक सर पे बाल रहेंगे वो बच्चा नापाक है। तो उलमा फरमाते हैं कि आप क्या करें, जब बच्चे को नहला लें धुला लें दो दिन हो जाए तो सबसे पहले क्या है, उस बाल को निकाल, ये घर में बैठकर निकाल, क्योंकि आप जरा बताओ दरगाह पे जाएंगे बाल है अब नापाक बाल काटने जाए, ये एक चीज है। दूसरी चीज ये जो मन्नत वगैरह है, ये मन्नत बोलेंगे दरगाह पे जाएंगे बाल निकालेंगे, ऐसी मन्नत ही नहीं, इसकी कोई हकीकत ही नहीं, तो बाल को निकाल। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा जो पैदा हुआ है अगर आपके पास इस्तेदाद है तो दो बाला जरूरत है अकीके के तौर पर, अगर आपके पास उतनी ताकत नहीं है एक ही बकरे की ताकत है एक ही वजह से, जरूरी नहीं है कि दो बाला, इतना से हम रखें तो अकीका कर लें। अब छह दिन में करना है तो उसको छट्टी कर देते हैं, 40 दिन में करना है तो उसको चिल्ला कर देते, बस ये भी है और कुछ भी नहीं, मतलब चिल्ला और छट्टी ये अल्लाह तबारक व तआला की शुक्राना अदा करते हुए बच्चे की जो पैदाइश हुई है ये अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हुए हम ये करते हैं, और शुक्र अदा करना हमारे नबी का तरीका भी रहा है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु को रिवायत करते हैं, या रसूलल्लाह आप हर पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं, तो नबी करीम ने फरमाया कि मैं इसलिए रोजा रखता हूँ कि मैं इसी दिन पैदा हुआ था, इसीलिए